दुनिया में दोस्तों जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं और अन्य चीज़ें चल रही हैं जो कि लगातार कंसर्न पैदा कर रही हैं, उसके जस्ट विपरीत जब आप देखेंगे आप पाएंगे कि भारतीय बाज़ार कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ऊपर की ओर स्थिति बनी हुई है दोस्तों। लेकिन आने वाला जो हफ्ता है वो कुछ ऐसे डेटास लेकर के आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आ रहा है जिससे चीज़ें थोड़ी सी आप चैलेंजिंग कह सकते हो सकती हैं। एक आर्टिकल में से पहले पढ़ रहा था जहां एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो भारत में लगातार पैसा आ रहा है जिसे आप कह सकते हैं लिक्विडिटी, और जिसके दम पे बाज़ार एक तरफा चल रहा है, अब वहाँ पे कुछ ब्रेक लग सकता है दोस्तों। क्योंकि रीज़न है दोस्तों, पहला कहा ये जा रहा है कि भाई जो पैसा हमारे यहाँ आ रहा था अब शायद वापस से वो चाइना और कोरिया की तरफ जा सकता है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके हिसाब से भारत में या भारतीय जो स्टॉक मार्केट है या भारत की इकोनॉमी है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या प्रोसेस कर रहा है, आपको क्या लगता है। आप अपनी बातें ज़रूर रखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी आपके साथ कहिए कुछ सीख सकूं और आपस में एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन शुरू कर करके कुछ चीज़ें नॉलेज बढ़ा सकें दोस्तों, ठीक है। और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों ये जो चाइना तरफ का जो है ना इन्फ्लो कि वहाँ जा सकता है, ये मुझे काफ़ी हद तक सही लगता है दोस्तों, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट बहुत ज़्यादा सीरियसली अंडर परफॉर्म किए हुए हैं। और कारण एक है दोस्तों कि कह सकते हैं जो इन्फ्लो है चाइना की तरफ जाने से रोक सकता है, वो है जो लगातार प्रोटेस्ट आप देख रहे होंगे चाइना में उठते चले जा रहे हैं। देखिए ये चीज़ें ना पहले बाहर नहीं आती थी, अभी ये इतनी ज़्यादा कह सकते हैं हम ओपन हो चुकी हैं, और मुझे लगता है यही एक चीज़ है जो इन्वेस्टर को थोड़ा रुक रही वहाँ जाने से। और जब ये चीज़ें दोस्तों ख़त्म होंगी उसके बाद मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी सी आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं दोस्तों। और जो पैसा लगातार भारतीय बाज़ारों में आ रहा है वो आउटफ्लो होकर के दोस्तों या चाइना, कोरिया, ब्राज़ील इन तरफ भी जा सकता है। खैर ये बात की बात होगी, ये वीडियो दोस्तों इसलिए है ताकि जो नेक्स्ट वीक है उसमें कौन से बड़े इवेंट्स आपके सामने हैं ये हम देख सकें दोस्तों, ये आपके सामने रख सकूं दोस्तों, ठीक है। तो अगला हफ्ता खैर बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हैं आप कह सकते हैं जिसकी नज़र होनी चाहिए, चाहे वो US का जॉब डेटा हो या अन्य प्रकार की चीज़ें हो, वो आपके रडार में ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर आप कोई भी ट्रेड लें तो आपको पता होना चाहिए कि बाज़ार जिस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट डेटा आने वाली हैं उसके हिसाब से या तो घट सकता है या बढ़ सकता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं वीकली एनालिसिस की बाज़ारों के डेटास पे। तो अब सीधा आपको लेके चलता हूँ दोस्तों मैं उस एनालिसिस की तरफ जहाँ आपके साथ चर्चा करूँगी क्या क्या डेटा है। देखिए सबसे पहले है ट्यूसडे नवंबर 29 यूरो जोन इकोनॉमिक सेंटिमेंट। देखिए यूरो जोन इकोनॉमिक सेंटिमेंट क्या है, द इकोनॉमिक सेंटिमेंट इंडिकेटर इन द यूरो एरिया ड्रॉप फॉर द 8 स्ट्रेट मंथ टू 92.5 इन अक्टूबर। कि भाई यूरो जोन यानी यूरोप में जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सेंटीमेंट है वो क्या है, और अक्टूबर को वो और कह सकते हैं 8 स्ट्रेट मंथ में गिरावट दिखाया था लगातार 8 महीने से, और 92.5 में आया था द लोवेस्ट सिंस नवंबर 2022। नवंबर 2022 से ये लोवेस्ट था। द सॉफ्ट पेच केम अमिड अ वीकनिंग इकोनॉमिक आउटलुक ड्यू टू अ स्टिकी हाई इन्फ्लेशन एंड हायर बोरिंग कॉस्ट। इवन द एनर्जी क्राइसिस डीपेंड विल इट गेट बेटर इन नवंबर। देखिए आपको पता होगा यूरोप भाई बहुत सारी मार से झेल रहा है दोस्त, मार झेल रहा है, चाहे आप कह सकते हैं वो क्या क्या है, चाहे आप कह लीजिए इन्फ्लेशन हो, हाई बोरोइंग कॉस्ट हो, और जो एनर्जी क्राइसिस वो लगातार डीप होते जा रहा है। तो अक्टूबर में जो गिरावट देखने को मिली सेंटिमेंट में वो क्या नवंबर में ठीक होती दिखाई देगी या स्थिति बद से बदतर होगी ये देखना पड़ेगा। यूरो जोन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फाइनल, द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडिकेटर इन द यूरो जोन रोज बाय 3.6 पॉइंट टू -23.9 नवंबर अहेड ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ -26। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट शोड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अक्टूबर टू डिवाइस हायर टू एट 27.5 फ्रॉम 27.6 माइनस अर्लियर रिपोर्ट फाइनल प्रिंट फॉर नवंबर इज ड्यू। देखिए जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है बड़े ही कह सकते हैं थोड़ा मोटा बढ़ रहा है, फ्लैटिस इंप्रूवमेंट है, बट स्टडी अभी भी स्थिति अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये चिंता का विषय यूरोप के लिए होना चाहिए। और मुझे लगता है जब तक ये रशिया यूक्रेन की वॉर नहीं चाहती कहीं से कुछ भी पॉजिटिव आता हो मुझे नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, ठीक है। तो अब थोड़ा नीचे के चलते हैं और चलते हैं भाई कि वेंसडे को क्या क्या डेटा आ रहे हैं। तो देखिए GDP ग्रोथ रेट क्वार्टर थ्री के GDP ग्रोथ रेट आने वाले हैं। द इंडियन इकोनॉमी एक्सपेंडेड 13.5% ईयर ऑन ईयर इन द सेकेंड क्वार्टर 2022।
2022 में क्या हुआ दोस्तों कि 13.5% की जंप देखने को मिलती ईयर ऑन ईयर, द मोस्ट इन अ ईयर बट बिलो मार्केट फोरकास्ट ऑफ 15.2%। 13.5% भी कम थी दोस्तों, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी आप कह सकते हैं 15.2%। तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और सो हाउ हैज इट मेजर्ड अप ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, ऑल आईज विल बी कीनली फिक्स्ड ऑन द इनकमिंग डेटा एज द ग्रोथ प्रिंट प्लेज अ डिसाइसिव रोल फॉर आरबीआई टू सेट इट्स रेट्स। और अभी देखिए जो ग्रोथ रेट है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उससे आरबीआई आने वाले समय में किस तरह से अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ाएगा या घटाएगा, ये बहुत बड़ा डिसाइसिव कह लीजिए एक डिसीजन मेकिंग मोमेंट होगा जीडीपी ग्रोथ रेट से। ठीक है, फिर क्या है सबसे बड़ा सरदर्द जो हमारे सामने खड़ा है, फिस्कल डेफिसिट। इंडिया फिस्कल डेफिसिट वाइडेंट टू रुपीज़ 6.20 ट्रिलियन रुपीज़, डॉलर नहीं याद रखिएगा रुपी है ना दोस्तों, इन अप्रैल सेप्टेम्बर फ्रॉम 5.27 ट्रिलियन रुपीज़ इन द कंपेरेबल ईयर अ ईयर अगो पीरियड। यानी एक साल पहले ये 5.27 था जो कि बढ़ करके अब 6.20 करोड़ हो गया है, 2.00 ट्रिलियन रुपीज़ हो गया है। द वर्क आउट टू 37.3% ऑफ द गवर्नमेंट एस्टिमेट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एज अगेन 35% बजट गोल इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, द अक्टूबर नंबर्स आर इन द वर्क्स। ठीक है, देखिए मोर और लेस फिस्कल डेफिसिट प्रॉब्लम ये है कि कच्चे दिल के दाम ना कमर तोड़ दे रहे हैं दोस्तों। देखना ये होगा इस बार, क्योंकि कच्चे दिल का काफ़ी हद तक नीचे आए हैं, देखते हैं इस बार क्या हाल रहती है दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होगा। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट इंडिया वेंट अप 7.9% ईयर ऑन ईयर इन सेप्टेम्बर फॉलोइंग एंड अपवर्डली रिवाइज 4.1% ग्रोथ इन ऑगस्ट। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट दोस्तों वो 7.9% था ईयर ऑन ईयर सेप्टेम्बर में। ठीक है, तो देखना ये होगा कि अक्टूबर में अभी किस तरह आते हैं। इट टर्न आउट टू बी द हाईएस्ट एक्सपेंशन रेट इन 3 मंथ, 3 महीने में सबसे ज़्यादा दोस्तों ये जो आप देखेंगे। ठीक है, जो अगस्त में आया था ये आप कह सकते हैं सेप्टेम्बर में आया था जो 7.9% का। द सेंटर सेट टू रिलीज द अक्टूबर सेट ऑफ डेटा ऑन वेंसडे, और अब देखना ये होगा 7.9 से ये बढ़ा है या घटा है, वेंसडे को डेटा आएगा। चाइना एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, देखिए बिलइंग होप्स द ऑफिशियल एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फेल टू 49.2। ये 49.2 है दोस्तों, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा नीचे बताऊँगा। इन अक्टूबर फ्रॉम द प्रीवियस 50.1 मिसिंग मार्केट फॉरकास्ट ऑफ 50, दिस मार्क द लोअर सेडिंग सिंस जुलाई एमिड स्ट्रिक्ट कोविड रिस्ट्रिक्शन इन सेवरल बिग सिटीज इन चाइना। अब भाई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कैसे कम नहीं आएगा दोस्तों, आपने इतने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन चाइना की सबसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में ला रखे हैं। और आखिर ये 49 है क्या, क्या 50 कुछ है? तो देखिए ऑन पीएमआई स्केल 50 मार्क्स द डिवीजन बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यानी पीएमआई इंडेक्स जब इंडिया के भी आए तो आप देखना डेटा अगर 50 से ऊपर है यानी कि एक्सपेंशन हुआ है, और अगर 50 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, और इससे हिसाब जो 49.2 है अक्टूबर का, यहाँ पे साफ साफ दर्शा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कॉन्ट्रैक्ट हुई है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या है ईसीबी नॉन मॉनिटरिंग पॉलिसी मीटिंग। यूरोपियन सेंट्रल बैंक पॉलिसी मेकर हैव एग्रीड दैट द सेंट्रल बैंक शुड पुश अहेड माफ कीजिएगा विथ नॉर्मलाइजिंग एंड टाइटनिंग मॉनिटरी पॉलिसी टू कॉम्बैट हाई इन्फ्लेशन इवेंट ऑफ अ शैल्फ रिसेशन। मेरे को दोस्तों मतलब ये यूरोपियन बैंक्स हो गए, यूएस बैंक्स हो गए, समझ में नहीं आए। पहले ये बाज़ार में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी कर देते हैं, फिर उस लिक्विडिटी कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसे घटाने के लिए इतना हैवी बम्बार्डिंग कर देते हैं इन्फ्लेशन की, और इससे एक स्टेप ऊपर। मुझे ये समझ नहीं आता ये भारत को कहाँ इतना ज्ञान देते रहते हैं। मुझे याद है इतनी ज़्यादा स्टडीज़ आई थी कि दैट इंडिया विल कोलैप्स एंड डू एंड दैट। मैं ये नहीं कहता इंडिया इज़ परफेक्ट, प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर ऐसा डिबैकल, ऐसा अगर मिसहैप हमने किया रहता ना, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, वो तो मतलब धज्जियाँ उड़ा देते हैं हमारी। और अभी जो ये काम कर रहे हैं कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि सॉफ्ट पावर नाम की चीज़ क्या होती है, और हमें क्यों सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा हमारे पास होनी चाहिए। हमें उसे क्यों कह दीजिए किसी भी तरह से हमें उसे कह सकते हैं आप अर्जित करना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों क्या, उसके बाद आता है थर्सडे, जो कि कौन लाएगा, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। थर्सडे का दिन देखिए, एक तो आप कह सकते हैं एक्सपायरी का दिन होता है, दूसरा अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेटा, तो थर्सडे याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, भारत के डेटा के लिए। देखें
द S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI इंक्रीज टू 55.3 इन अक्टूबर फ्रॉम 55.1। यानी कि दोस्तों आप देखिए जो S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है ये PMI है वो 55.3 हो गई थी, यानी बड़ी थी। मैंने आपको बताया था 50 से ऊपर मतलब एक्सपैंड हो रही है अक्टूबर के 55.1 से सितंबर, टॉपिंग एक्सपेक्टेंस स्टेइंग अबव इट्स लॉन्ग रन एवरेज ऑफ 53.7। ठीक है, फैक्ट्री ऑर्डर पिक्ड अप व्हाइल प्रोडक्शन ग्रोथ आउटपिस इट्स लॉन्ग रन एवरेज डिस्पाइट कमिंग एट अ 4 मंथ लो, विल द मोमेंटम पिक अप फर्दर इन नवंबर। देखिए मुझे लग रहा है इस बार का डेटा थोड़ा मुझे लगता है वीक आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जो दिवाली था ना इस बार काफ़ी पहले आ गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो डेटा ये कह लीजिए पेश करेंगे मुझे थोड़ा लग रहा है कम हो सकता है। अगर पॉजिटिवली अच्छा आता है तो मुझे लगता है भारत के जो बाज़ार है इसे पॉजिटिवली लेंगे। अब US इनिशियल जॉबलेस क्लेम, देखिए ये जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है आप देखिए द नंबर ऑफ अमेरिकन फाइलिंग न्यू क्लेम्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स रोज बाय 17,000 टू 2,40,000 ऑन द वीक थ्रू नवंबर 19 द मोस्ट सिंस ऑगस्ट एंड वी विल एंड वेल अबव एक्सपेक्टेशन ऑफ 2,25,000। द वेव ऑफ लेऑफ्स इन टेक्नोलॉजी कंपनीज माइट बी एट वर्क बिहाइंड सच नंबर्स नंबर्स फॉर द वीक टू नवंबर 26 आर इन पाइपलाइन। अब देखिए जो इतना ज़्यादा आप सुन रहे हैं कि भाई चाहे वो मेटा हो अमेजोन हो यूट्यूब भी कह रहा है भाई हम ले ऑफ करेंगे, तो जब भी ले ऑफ जारी रहेगा दोस्तों तो इसके कारण क्या होगा जो जॉबलेस डेटा है वहाँ का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं लोग जो एलिजा अप्लाई कर रहे हैं वो लगातार बढ़ रहा है। और इसका बढ़ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये अच्छा इसलिए होगा क्योंकि इससे जो US फेड है दोस्तों वो जो लगातार आप कह सकते हैं इंटरेस्ट बढ़ा रहा है उसे बढ़ाने में थोड़ी कमी कर सकता है दोस्तों, और इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं हम देखते हैं भाई फ्राइडे को, तो देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्राइडे आउटस्टैंडिंग बैंक लोन ग्रोथ द वैल्यू ऑफ लोन्स इन इंडिया इंक्रीज 17% ईयर ऑन ईयर इन द वीक एंडेड नवंबर 4 सीन अ बैरोमीटर फॉर कस्टमर डिमांड हाउ हैज़ इट फार्ट इन द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड टिल नवंबर 18। देखिए जो द वैल्यू ऑफ लोन जो इंडिया में जो लोन की वैल्यू है वो कह सकते हैं 17% बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर नवंबर वीक तक, अब देखना होगा 18 में किस तरह होती है। अब बात है भाई डिपॉजिट ग्रोथ की, द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स इन इंडिया इंक्रीज 8.2% ईयर ऑन ईयर इन द फोर्टनाइट एंडिंग नवंबर 4 नेक्स्ट सेप्टेंबर टिल नवंबर 18 इज इन द पाइपलाइन। और जो वैल्यू ऑफ डिपॉजिट है दोस्तों वो भी बढ़ी है 18.2%, और ये आगे की कैसे रहेगी ये हमें फ्राइडे को पता चलेगा। तो दोस्तों ये जो तमाम डेटा है ये किस तरह हमारे ऊपर कह लीजिए आप कह सकते हैं कि ये जो डेटा है ये हमारे जो बाज़ार की चाल है उसमें ज़रूर ज़रूर आप कह सकते हैं प्रेशर या पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये शिवानंद है, जय हिंद दोस्तों।